उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कन्नौज में कालिख युद्ध चल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के दामन को दागदार बता रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि नाबालिग से रेप की कोशिश में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता है। इसको लेकर आज पार्टी ने यूपी के दो लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब विवाद में बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। पुलिस और यहां के पूंजीपति के ये षड्यंत्र है। कन्नौज में रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव का नाम यूपी की सियासत में नए संग्राम का सेंटर पॉइंट बन चुका है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। इधर बीजेपी ने अपने आरोपों का दायरा यूपी के दो लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी तक पहुंचा दिया है। मामला कन्नौज का है जहाँ से अखिलेश यादव सांसद है। समाजवादी पार्टी का तो DNA ही क्या है, अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। हमला सीधे अखिलेश यादव पर हुआ, इस पर समाजवादी पार्टी आपे से बाहर हो गई। तो भाजपा के नजदीक था, वहाँ के सांसद सुब्रत पाठक का क्लासमेट रहा है, उनके साथ लगातार उसके संबंध है। ये जब से लोकसभा हारे हैं केवल हर बात में समाजवादी पार्टी को दोषित करने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। अरे आप सरकार में हो, करो ना कार्रवाई। जुबानी जंग बढ़ी तो एक दूसरे पर सवाल उठाने की जगह बुलडोजर तक बात पहुंच गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी बहुत पहले छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोग कर रहे थे। अगर नवाब सिंह के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं उसको साबित करना भी सरकार का ही काम है। अन्य लोगों पर जब आरोप लगता है तो उनके घर गिरा दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो यहाँ न्याय का मापदंड अलग। नवाब सिंह यादव के घर गलत तरीके की आय से बनाए गए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, समाजवादी पार्टी के लोग लिख करके दें कि नवाब सिंह यादव के मकान को गिराया जाए, दम हो तो। अपराधी को चाहे जितना घुमा फिरा के बचाने का समाजवादी पार्टी के नेता प्रयास करें, लेकिन इस सरकार में कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। कन्नौज में रेप की कोशिश के इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी पर इशारों में तंज किया था तो भला कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। उसने पलटवार किया, एक्शन का चैलेंज दिया। किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार पूरी तरीके से फेल है वहाँ पर और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। कार्रवाई करे सर, बैठी हुई है क्योंकि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। इस बीच पूरे मामले में तब नया मोड़ आ गया जब पीड़ित नाबालिग की बुआ ने बड़ा बयान दे डाला। उसने कहा कि आरोपी नवाब सिंह यादव को फंसाने की साजिश हुई है। जो कन्नौज के मोहन तिवारी जो हैं और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं। सपा वालों के ही कार्य हैं जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है, 2-3। पीड़ित की बुआ का दावा है कि साजिश में कई और लोग शामिल हैं और जल्द ही सबका नाम खोलूंगी। एक तरफ आरोप है, आरोपों में नया टर्न है, दूसरी तरफ है सियासत जिसमें हर दल की कोशिश अपने दामन को पाक साफ बताने की है। इसलिए आरोपी नवाब सिंह यादव को विरोधी दल का नेता बताने की होड़ तेज है। ABP News आपको रखे आगे।